हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज है संडे और आज हम शूट कर रहे हैं मेरे देवर के मकान के मुहूर्त का। तो आज का व्लॉग है देवर के मकान के मुहूर्त का। आज उनके यहाँ पर हवन और हम जा रहे हैं वहीं पे। मैं रेडी हो गई हूँ इंडियन अटायर में और मैंने चुनरी पहन रखी है और ये जैनिल यहाँ पर रेडी है और जिनिशा गई है और मेरी ननंद भी आ गए हैं यहाँ पे। ये रहे, हम सब जा रहे हैं वहीं पे, तो चलो मिलते हैं वहीं पे। ये तो मैं जस्ट यहाँ आई हूँ मेरे देवर के यहाँ पर, मतलब मेरा रियल देवर नहीं है, मेरे काका ससुर जी का लड़का है, तो उनके यहाँ पर आ गई हूँ। और अब हो रहा है गृह प्रवेश, तो यहाँ पर उनकी बहू, मेरी ननंद सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं किया था, सिर्फ घर घर के ही लोग थे, तो ये सब हैं यहाँ पर और बहुत मज़े किए। ये पायल यहाँ पर हाई कर रही है और ये सब यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर पंडित जी कार्यक्रम करवा रहे हैं। और ये है मेरी ननंद पागलपने करते हुए और मैं यहाँ पर फैशन शूट करते हुए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे ही घर का प्रवेश है। रेड रेड साड़ी वगैरह पहन के, मस्त चुनरी पहन रखी थी मैंने, बहुत मज़े आए। ये देखो मेरे पापा भी आए हुए हैं, ये मेरे पापा जैनिल और जिनिशा को खिला रहे हैं और यहाँ पर ये गृह प्रवेश के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं। और ये पंडित जी यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं जो भी इनका रिचुअल होता है वो, और अब करेंगे गृह प्रवेश। तो हो रही चलेगी ना। गृह प्रवेश और हवन के लिए जो भी यहाँ पर बना हुआ है, बनाते हैं ब्राह्मण लोग, वो यहाँ पर बन चुका है। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है ये बना हुआ। चावल से, गेहूं से, दाल से ये सब बनाते हैं, भगवान जी स्थापित करते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर दिखता है। ये हो चुका है सब काम व्यवस्थित, उसके बाद में गृह प्रवेश होगा। और फिर मतलब इनके यहाँ पे 3 दिन का प्रोग्राम है, गृह प्रवेश भी इनके यहाँ पे 3 दिन का हुआ है। एक दिन गृह प्रवेश किया है, दूसरे दिन हवन किया है और तीसरे दिन इनके यहाँ का मेन जो रसोई होती है वो तीसरे दिन था। तो वैसा तो बने रहिए मेरे साथ में और देखिए कितना मज़ा आया है हमको। तो यहाँ पर गृह प्रवेश की तैयारियाँ हो गई है, जो भी रिचुअल फॉलो करते हैं वो सब रिचुअल हो रहे हैं। ये जैनिल को उसके दादाजी खिला रहे हैं, मस्तियाँ चल रही हैं जैनिल की। इसके फूफा जी आए हुए हैं बड़े, ये सब मेहमान हैं। ये बुआ की लड़की है उसके, ये गृह प्रवेश हो रहा है यहाँ पर। गृह प्रवेश हो गया है और अब हम जाने वाले हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख लग गई है। इस धूप ने मेरे को भी घूंघट निकालने पे मजबूर कर दिया है। मैं खूब घूंघट में कभी आई नहीं हूँ, पहली बार आई हूँ। देखो ये हमारे बहन बेटी, ये मेरी बुआ सास है, ये भी घूंघट में आ गए आज। घर पे भी निकालते होंगे इतना घूंघट तो जितना यहाँ निकाल दिया। ये हमारे भाभी साहब ये भी आज घूंघट में आ गए, आज हम भी घूंघट में आ गए क्योंकि आज बहुत धूप है। हम काले पड़ जाएंगे, काले पड़ जाएंगे तो। पीछे ये वेंकटी भी, सब ने सिर ढक लिया, बाप रे इतनी गर्मी है। चलो चलो नवी लाड़ी। अरे मेरी शादी को 8 साल हो गए, अब क्या रोड़ी नोतोगे? तो मजे ले रहे कितना प्यार देखो मेरे लिए, छाव कर दी मेरे लिए, छाव कर दी गई है इन बेटियों की तरफ से, ऐसी बेटियां सबको मिले। ये जैनिल यहाँ पर खाना खाने आ गया है, उसके दादा और नानू के साथ में खाना खा रहा है। खाना वाना खाना नहीं है इसको, पर फिर भी मज़े ले रहा है। यहाँ पर जिनिशा मज़े ले रही है, छोटा छोटा कुछ भी ले करके खाना है बस।
गृह प्रवेश हो गया और अब है हवन, तो अब हम जा रहे हैं हवन में। और मैंने चेंज कर लिया साड़ी क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी, तो चलो चलते हैं। ओम जगने फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे और आज है यहाँ पर खाना, तो हम खाना खाने जाने वाले हैं। हमने मस्त तरीके से तैयार हो गए हैं और ये जेनिया सो रहा है, ये बुआ जी ये भी तैयार हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं। अभी वहाँ पर क्या मोसारा वगैरह पहनेंगे, उसके बाद में हम खाना खाएंगे, तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पर मोसारा पहनने की जो रस्म होती है वो स्टार्ट हो गई है, सब कपड़ा लेना देना कर रहे हैं और हम हैं यहाँ पर जिनिसा के साथ में मस्ती कर रहे हैं और यहाँ पर सब लेडीज़ें बैठी है। ये जिनिसा, तो यही था मेरा आज का व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स।